दोस्तों अभी 2 मिनट पहले जो है बहुत बढ़िया तरीके से इनका बैलेंस बन चुका था। जो पहली वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की थी उसके बाद की ये वीडियो है। अप्रॉक्स 20 मिनट में इनके साथ रही, बढ़िया तरीके से चलने लगी थी, बट इन पे 2 कमियां थी। एक नज़र को पहिए के पास रख रही थी, दूसरा स्पीड पे कोई स्पीड बढ़ा रही हैं तो कम नहीं कर रही हैं, कम कर रही हैं तो बढ़ा रही हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम थी। एक रिद्म में आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, तो जो है मोड़ में स्पीड ज़्यादा रह गई और उससे थोड़ा सा गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और हाथ में हल्की सी क्रॉच लगी है। लेकिन क्रॉच में मैंने अभी थोड़ा सा मेडिसिन दवाई लगा के पट्टी कर रही हूँ इनके हाथ में, दिखाऊंगी आपको क्रॉच। फिर भी ये डिसअपॉइंट नहीं है और इसके तुरंत बाद ये दोबारा से स्कूटी ड्राइव करेंगी, वो वीडियो बना के भी मैं अपलोड करूँगी। बने रहिए वीडियो पर और देखिए। इनके हाथ की जो चोट है देखिए, यहाँ पे लग गई, अभी हल्की सी खरोंच है, देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ऐसी खरोंचें आते रहती हैं, इनको देख के कभी भी डिसअपॉइंट ना होए। कई लोग कहते भी हैं कि जब तक स्कूटी में खुद को स्क्रैच ना आए नहीं हो पाता है, जब तक स्कूटी में थोड़ा सा स्क्रैच ना आए नहीं सीखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिना स्क्रैच के भी सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी 20 मिनट के बाद की वीडियो भी अपलोड करूंगी मैं, जिसमें ये बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कूटी को ड्राइव कर रहे होंगे। इतनी सी छोटी सी क्रॉच को देख के प्लीज़ 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 कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, चलते रहना है। चोट वोट होते रहता है थोड़ा सा, उनके आगे खुद को जिता के दिखाना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद जय भारत।